आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू शिव आश्रम में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद, निस्तारण का दिया भरोसा, कहा सबके साथ होगा इंसाफ। 84 करोड़ 86 लाख की लागत से निर्मित तरकुलानी पंपिंग स्टेशन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर किया लोकार्पण, कहा तरकुलानी के आसपास बसे लाखों परिवारों को बाढ़ से मिलेगी निजात। रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई ने भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल के गोरखपुर स्थित आवास पर की छापेमारी, यूपी के साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सीबीआई ने की छापेमारी, जांच में जुटी पुलिस। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को खोराबाड़ क्षेत्र में कुल 21,207.11 लाख के परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा विकास के पथ पर अग्रसर है गोरखपुर, अक्टूबर में प्रधानमंत्री करेंगे फर्टिलाइजर और एम्स का उद्घाटन। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना हुई जारी, 8 जुलाई को नामांकन और 10 जुलाई को होगा मतदान और मतगणना, जिला पंचायती राज अधिकारी ने दी जानकारी। देवरिया से भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी के पुत्र व संत कबीर नगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी की हुई असामयिक मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके आवास पर पहुंचकर व्यक्त की शोक संवेदना, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव आर के तिवारी ने ऑक्सीजन प्लांट के साथ विकास कार्यों की समीक्षा, कहा 15 अगस्त तक शुरू करें सभी ऑक्सीजन प्लांट, विकास कार्यों में भी लाएं तेजी। सीएम योगी ने सोमवार को मुरारी इंटर कॉलेज सहजनवा में कुल 20,366.20 लाख रुपए की लागत के 79 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास, कहा कोरोना कालखंड के दौरान निगरानी समितियों का कार्य रहा है बेहतर, बचाया गया जीवन के साथ जीविका। सोमवार को जिला अस्पताल सहित 93 केंद्रों पर 26,003 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका, सीएमओ ने कहा शहरी क्षेत्रों के साथ सीएचसी व पीएचसी पर भी किया गया वैक्सीनेशन, नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई समाज कल्याण विभाग के शादी अनुदान वृद्ध माता पिता भरण पोषण समिति की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में सोमवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,298, अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 55 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में 6 जुलाई से आयोजित होगी 7 दिवसीय कार्यशाला, एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी इन केमिकल साइंसेज विषय पर वक्ता रखेंगे अपने अपने विचार, वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे देश विदेश से विषय विशेषज्ञ। और 58 घंटे की साप्ताहिक बंदी के बाद सोमवार से सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक खुले बाजार, रात्रि 9 बजे से सुबह 7 तक प्रभावी रहा नाइट कर्फ्यू, बेफिक्र नजर आए लोग।